हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की खास रेसिपी है रागी का चीला। मैं आपको बता दूं, रागी काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इससे जो भी रेसिपी तैयार की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, खासकर ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। इस ग्रेन की खास बात यह है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ये उनको दी जाती है ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनकी बोन्स मजबूत हों। इसके अलावा जो मदर्स होती हैं जिनकी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये उनको भी दी जाती है ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है ये, और इसके कई सारे डिशेज़ बनते हैं, अलग अलग तरह की डिशेज़ बनती हैं। इसे सभी को डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप इस रेसिपी को देखें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रागी होती क्या है। यह है रागी, ये बिल्कुल सरसों के दाने की तरह दिखती है, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है उससे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल राई के दाने की तरह दिखती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है। गांव में इसका बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, जो विलेज एरियाज होते हैं वहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो की जाती है, और वहाँ पर इसे काफ़ी अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है, जैसे इसे नाचनी भी बोला जाता है। नाचनी का आटा आपने सुना होगा, ये उसे ही कहते हैं। सबसे पहले इसके बीज को निकालकर इसे अच्छे से साफ़ किया जाता है, और उसके बाद इसे धुलकर हम बिल्कुल कड़ी धूप में इसको सुखा लेते हैं। इसके बाद हम इसे पीसकर इसका आटा तैयार करते हैं। ये पीसने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। पीसने के बाद हम इससे इसकी रेसिपी तैयार करते हैं। काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से चीला तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए एक छोटी सी बोल, और इसमें मैं लूँगी यहाँ 4 बड़ा चम्मच रागी का आटा। रागी का आटा लेने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। सिंपली मैंने तैयार किया है, कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं है। यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा और 1 बड़ा चम्मच बेसन मिला रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, नमक थोड़ी सी हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, लगभग 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालनी है पानी। थोड़ा सा पानी डालें और इसे मिक्स करें। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका बैटर तैयार करना है। रागी कई सारी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि कर्नाटका में ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है, झारखंड में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, विलेज एरिया में इसे ग्रो किया जाता है, और लगभग नाश्ते पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, नाश्ते पे भी इसे तैयार किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है। अगर आप इसे डेली डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया और इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो चुका है। हमें बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम इस बैटर को लगभग 10 मिनट के लिए अलग छोड़ देंगे। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दें, उसके बाद हम इसका चीला तैयार करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे तैयार करेंगे चीला। इसमें मैंने एडिशनल और कोई भी चीज़ें नहीं ऐड की हैं, तो आप इसे बहुत सिंपली तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ली है, आप नॉनस्टिक यूज़ कर लें। सबसे पहले हम इसकी ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच बैटर। बैटर डाल दें और इसके बाद हम इसे इस तरीके से हल्के हाथों से घुमाते हुए इसका चीला तैयार कर लेंगे। आप बिल्कुल संभाल कर, थोड़ा सा टूट सकता है, तो मैंने इसको बिल्कुल आराम से तैयार किया। इसे ढककर हम छोड़ेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लें, उसके बाद हम इसमें ऊपर से ऑयलिंग करेंगे ताकि ये टूटे ना। उसके बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। एक और ख़ास बात, इसे मैंने सरसों के तेल में तैयार किया है। आप भी इसे सरसों के तेल में तैयार करें, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। चीला बिल्कुल तैयार हो चुका है, फ्लिप कर लें और इसे निकाल लें। स्वादिष्ट चीला बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसी तरीके से दूसरा चीला भी तैयार कर लेते हैं, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। मैंने यहाँ पे ऑयलिंग की, ऑयलिंग के बाद हम इसमें डालेंगे बैटर और बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाते हुए हम इसका चीला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रागी से आटा तैयार किया है। अगर आपके पास रागी अवेलेबल ना हो, आप सुपर मार्केट से ईजीली इसका आटा ले सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास रागी अवेलेबल नहीं है। अब इसमें हम करेंगे ऑयलिंग। ऑयलिंग करने के बाद इसे हम फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम इसे लगभग थोड़ी देर और इसे सिकने देंगे अच्छे से। दूसरी ओर भी ऑयलिंग कर लें और बस हमारा चीला रेडी हो जाएगा। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है और इसी फ्लेम पे हमें इसे पकाकर तैयार करना है। ये खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। आप डेली डाइट में इसे शामिल करें, काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। इसे मैंने फ्लिप कर लिया, अब हम इसे निकाल कर रख लेंगे। हमारा चीला बिल्कुल रेडी है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ में सर्व करें, ये काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा।
इसमें मैंने बिल्कुल ये सिंपल वाली रोटी बताई है, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, आप किसी भी चटनी के साथ या सब्जी के साथ इसे सर्व करें, काफ़ी स्वादिष्ट लगेगी। विलेजर्स इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वो इसे काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक मानते हैं। कई सारे लोग इसे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं, तो आप इसे ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। हमारा सिंपल सा चीला बनकर तैयार हो चुका है। अगली वीडियो में मैं आपको आलू के साथ इसे बताऊंगी कि आप किस तरीके से आलू के साथ इसका चीला तैयार कर सकते हैं, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट लगेगी खाने में। आपने मेरी सारी वीडियोस को बहुत पसंद किया, उम्मीद करती हूँ आपने इसे भी बहुत इंजॉय किया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग सी डिश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।